सेट पर बिगड़ी कपिल शर्मा की तबीयत, शूटिंग रोक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बुधवार को अचानक कॉमेडियन कपिल शर्मा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अंधेरी मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दरअसल 36 साल के कपिल अपने शो के सेट पर अपकमिंग एपिसोड की शूटिंग कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें बेचैनी होने लगी। इसके बाद उन्होंने की शूटिंग रोक दी और जांच के लिए अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद उन्हें एडमिट होने की सलाह दी। ब्लड प्रेशर हो गया था हाई। सूत्रों की माने तो कपिल का ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें बेचैनी हुई। कपिल के कलीग कीकू शारदा ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा, जी हाँ, कपिल को बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, वे ठीक हैं। पिछले कुछ दिनों से उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है, लेकिन अब जांच में शुगर की बात भी सामने आई है। हो सकता है कि कंटिन्यू वर्क शेड्यूल की वजह से वे अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हों। इस एपिसोड की शूटिंग एक्टर और पॉलिटिशियन परेश रावल के साथ होनी थी। वे वहां अपनी अपकमिंग फिल्म अतिथि इन लंदन का प्रमोशन करने वाले थे। आपको बता दें कि सुनील ग्रोवर से झगड़े के बाद कपिल शर्मा के शो की टीआरपी लगातार गिर रही है, इस वजह से ये कॉमेडियन काफी दबाव में है। ऐसी खबरें भी थी कि सलमान खान अपना शो 10 का दम लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कपिल का शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। लेकिन राहत की खबर ये है कि सलमान के शो की डेट्स आगे बढ़ा दी गई है।